हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज है संडे, तो मैं संडे की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट मैं आपको अडेनियम की अपडेट दे रही हूँ। अडेनियम अभी काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग चल रही है। अडेनियम में खूब अच्छे अच्छे से फूल आ रहे हैं, इनमें भर भर के फूल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा पास से दिखा दूँ, देखिए एक एक प्लांट में इस तरह से फ्लावरिंग हो रही है, जो कि पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। अभी काफ़ी टाइम से मैंने इनमें पत्तों में पानी नहीं दिया है, तो थोड़ा सा पत्तों का जो कलर है वो मतलब धुंधले से हो रहे हैं, धूल जम रही है इनमें। तो क्योंकि अब ये थोड़ा मौसम चेंज होने लगा है, तो डर भी लगता है कि अगर स्टेम में पानी जाएगा तो रॉट होने का चांस हो सकता है। पर फिर भी किसी दिन इस पर करूँगी मैं थोड़ा सा, ताकि इनकी धूल मिट्टी हट जाए बीच बीच में। जब अच्छी मतलब सुबह सुबह कर दूँगी तो एक दो घंटे में सूख जाएगा। तो बाकी प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी हैं। जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ग्राफ्टिंग की थी वो भी बहुत अच्छे, देखिए हेल्दी ग्रोथ हो रही है इनकी। और फूल देखिए कितने प्यारे प्यारे से आ रहे हैं। सूखे हुए फूलों को आप ज़रूर हटा लीजिए, नई ग्रोथ भी आ रही है। तो अभी हमारे प्लांट बिल्कुल भी डोरमेंसी में नहीं जाएंगे। डोरमेंसी के लिए आप बिल्कुल भी ना डरें कि आपके प्लांट डोरमेंसी में चले जाएंगे तो इनका इन पर बिल्कुल काम करना बंद कर देना है, बिल्कुल मतलब पानी देना बंद कर देना है, ये सब काम बंद कर देना है। तो ऐसा नहीं है, प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है तो आपको उसमें पानी देना पड़ेगा और पानी लगभग चेक करके देना ही पड़ेगा। अभी नवंबर का मंथ तो पूरा हम अच्छे से पानी देंगे। दिसंबर और जनवरी का जो मंथ होता है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, उसमें थोड़ी ठंड बढ़ जाती है। तो नवंबर के मंथ में अभी डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी थोड़ा सा चेक जरूर करके पानी दीजिएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पानी मतलब गीला रहे मिट्टी तब भी आप पानी दे दीजिए, तो उससे अडेनियम हर सीजन में ख़राब हो जाते हैं अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है। तो छोटे प्लांट की अगर बात करें तो सीडलिंग वगैरह को आप कोहरे से और ठंड से ज़रूर बचाइएगा जब दिसंबर का मंथ आ जाएगा। तो अभी नवंबर में उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो प्लांट काफ़ी अच्छे देखिए ब्लूमिंग कर रहे हैं। आप चाहे तो इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर सकते हैं, साथ में आप अपनी सीडलिंग पर सीविड एक्सट्रैक्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा, उससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी निकल करके आएगी। और मेरे गार्डन का सबसे खूबसूरत अडेनियम ये देखिए, बहुत ब्यूटीफुल है। इसका फ्लावर बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा है। इसके मैंने दो ब्रांच ग्राफ्ट भी कर लिए, मतलब चार पांच पौधे मैंने ग्राफ्ट किए हैं। अगर सक्सेस हो जाता है तो, और पहले कर लेती तो सक्सेस हो जाता, जल्दी रिजल्ट मिल जाता, लेकिन अभी तो मैंने अभी किया है तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज होने लगा है। इसके फ्लावर में भी ना फ्लावर देखे, इस प्लांट को लेकर के आई थी नर्सरी से, पर पता नहीं इसके फूल खिले नहीं, कभी भी नहीं खिले अच्छे से। और ये 250 में मुझे ये प्लांट शायद मिला था, पर बिल्कुल भी मतलब ना तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी दिखी कभी और ना इसमें फ्लावरिंग हुई। जब भी इसके कलियाँ आती हैं इसी तरह से बिना खिले ही ख़राब सी हो जाती हैं, और देखिए कितनी ख़राब सी कली इसमें निकल करके आई है। और ये रेड वाला भी खिल चुका है एक बार, येलो में अभी भी देखिए फ्लावरिंग आ रही है। इसकी मिट्टी आज काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो इसको आज पानी देना पड़ेगा, तभी देखिए जो एकदम फ्रेश फ्लावर खिला है वो भी मुरझाया हुआ है। और यहाँ पर देखिए हमारा एक ट्रिपल लेयर का ही अडेनियम है। ये छोटे छोटे फूल हैं इसके, लेकिन फूलों का जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये देखिए मेरी एक और जो सीडलिंग थी ना हाइब्रिड वाली, उसमें भी कलियाँ आई हुई हैं, और इसमें भी देखिए डबल पेटल का ही फ्लावर आएगा, क्योंकि काफ़ी सुंदर सा मतलब मोटी सी कली निकल करके आई है। और इसका एक प्लांट पहले भी खिल चुका है ये देखिए, और एक थर्ड फ्लोर पर भी रखा है, उसमें भी कली आई है। उसकी पत्तियाँ थोड़ी अलग हैं, इनकी तो पत्तियाँ देखिए काफ़ी मोटी मोटी सी पत्तियाँ हैं। तो इस तरह से हमारे अडेनियम खिल रहे हैं। इधर भी मैंने जो पॉलीबैग से निकाल करके पॉट में शिफ्ट कर दिए थे उनमें भी देखिए सब में कलियाँ आ रही, सब में फूल आ रहे हैं। ये मैंने एक बाहर से मंगाया था प्लांट, ये देखिए कितना सुंदर सा फूल है इसका। अभी ये काफ़ी टाइम से खिला, लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया इसको खिले हुए। और यहाँ पर भी एक देखिए खिला हुआ छोटा सा प्लांट, तो मैंने इसका ये वाले प्लांट का एक प्लांट ग्राफ्ट करके तैयार किया था। और उधर देखिए येलो सॉरी वाइट में भी है, उधर हमारा देखिए जरबेरा भी खिला हुआ है। और ये भी कुछ हमारी सीडलिंग ही है हाइब्रिड वाली, इनमें कलियां तो नहीं आ पाई हैं क्योंकि इनको मैंने रिपोर्ट किया, रिपोर्टिंग की वजह से इनमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई, और न्यू ग्रोथ स्टार्ट होने की वजह से कलियाँ नहीं आई, नहीं इनमें भी कलियाँ आ जाती। तो ये देखिए एक ही हमारा रेड, इसमें देखिए नई नई ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। तो मैं तो पानी अभी देती रहती हूँ, अच्छे से पानी देती हूँ, जैसे मिट्टी मतलब सूख जाती है तब पानी दे देती हूँ। जैसे उस गमले की मिट्टी आज एकदम से ड्राई है, इसकी भी मिट्टी बिल्कुल ड्राई है देखिए इस तरह से। तो जब इस तरह से मिट्टी हो जाए तो पानी अब दे दीजिए ज़रूर, तो नहीं तो प्लांट फिर स्ट्रेस में चला जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला कितना प्यारा ब्लूम्स हुआ है, बहुत सुंदर इसके फूल खिलते हैं देखिए, बहुत ही ज़्यादा।
और इधर हमारी विंटर की भी थोड़ी सी तैयारी मैंने कर ली है। इधर बिगोनिया है, इम्पेशन है, और ये भी इम्पेशन ही है। और यहाँ पर देखिए एक ये वाला भी कलर बहुत प्यारा सा है। इधर ये पर्पल वाला है, ये देखिए पर्पल कलर का। और ये हमारे बिग प्लांट है जो सारे, ये देखिए हमारा जो वेरीगेटेड वाला है उसमें भी आज फ्लावर खिला हुआ है। थोड़ा सा फ्लावर का इसका मतलब डिजाइन अलग सा हो गया, अभी ये वाला खिला नहीं, देखिए खिलने वाला है। डार्क रेड कलर में ट्रिपल लेयर में इसका भी फूल है। इधर देखिए मैंने इसमें कई ग्राफ्टिंग की है, मतलब 5 से 4 ग्राफ्टिंग की थी, तो येलो में भी कलियाँ हैं, रेड में भी कलियाँ हैं, और ये जो पिंक वाला है ना, ये ऐसा वाला फूल आएगा इसमें, इसमें भी कलियाँ आ गई, तीनों में एक साथ कलियाँ आ गई हैं। इधर कुछ मेरे जो न्यू प्लांट थे उनमें देखिए नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और इधर भी देखिए, इधर भी, इधर कुछ सीडलिंग है, इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी येलो हो गई थी ज़्यादा धूप की वजह से। और इधर हमारे सारे सकुलेंट हैं जो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, और कुछ मैंने रिपोर्ट भी किए थे। और यहाँ पर भी सारे सकुलेंट हैं। इधर देखिए अर्डेनियम की हमारी ग्राफ्टिंग है जो सक्सेस हो चुकी है काफ़ी सारी, तो अभी तो मैंने इनको धूप में शिफ्ट नहीं किया है, पर इनको सुबह के लगभग 1-2 घंटे की अगर धूप मिल जाती है तो ये प्लांट और जल्दी हेल्दी होंगे। देखिए इसमें से कुछ 1-2 ये वाला प्लांट मेरा फेल भी हो गई ग्राफ्टिंग उसकी, और अभी मैंने कुछ बाद में की थी तो उनकी ग्रोथ अभी नहीं हुई है, तो धीरे धीरे हो जाएगी। कुछ पत्तियाँ रखी थी लीफ से ग्रो होने के लिए, और ये देखिए एक सकुलेंट है जो लीफ से ग्रो करने के लिए मैंने इसको रखा था। ये हैंगिंग बास्केट में, पूरी बास्केट में इसकी पत्तियाँ हैं। और ये हमारा बेबी सन रोज है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इधर देखेंगे तो इधर भी कुछ ग्राफ्टिंग प्लांट हैं, और साथ में हमारे इंडोर प्लांट हैं एग्लोनिमा के, जिनकी देखिए आज मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, तो प्लांट पूरा मुरझा गया है बिल्कुल से। इसको मैं एक बकेट में भर के पानी रख दूंगी ताकि ये अच्छे से पानी इसको मिल जाए, ध्यान नहीं दिया मैंने, कल दे देना था पानी तो सही रहता। आज देखिए पूरा लटक गई इसकी पत्तियाँ। यहाँ से हमारा 3rd फ्लोर का गार्डन शुरू होता है। देखिए अलमंडा में बहुत अच्छे फूल आए हैं, पीछे नागचंपा में भी फूल आए हुए हैं काफ़ी सारे। मैंने आज नागचंपा को रिपोर्ट किया क्योंकि उसका ग्रो बैग फट गया था। इधर सारी हमारे अडेनियम की सीडलिंग है जो काफ़ी लंबाई में बढ़ रही है, देखिए एकदम लंबे लंबे से हो रहे हैं थोड़े से इसके प्लांट। और ये थोड़ा इधर छाया में मैंने इनको रखा था, मतलब इधर कम धूप लगती थी तो मैंने इनको धूप में शिफ्ट कर दिया है, पर मुझे लगता है थोड़ा और अलग अलग करके रखना पड़ेगा। थोड़ा सा मैंने क्या किया था, कुछ मैंने DAP भी डाला हुआ था जिसकी वजह से उसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिख रही है। साथ में इधर हमारी सीडलिंग है, इन सब में मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिया था, थोड़ी सी इनकी ग्रोथ दिखाई देने लगी है। देखिए इधर हमारे हिबिस्कस हैं सारे, बहुत अच्छे ब्लूम्स कर रहे हैं। और ये देखिए मिनीचर हिबिस्कस है। आज मैंने 4 बजे 4:30 बजे से अपने गार्डन में काम किया, पूरे गार्डन की सफाई की, पूरा क्लीन किया गार्डन एकदम से सब जगह से यहाँ से। और ये देखिए कनेर है, ये मिनीचर हिबिस्कस है, और ये हैं टिकोमा जो मैंने प्रून कर दिया था। अब इसमें देखिए कलियाँ आने ही वाली हैं, बहुत प्यारा ब्लूम्स होगा अभी ये। और यहाँ पर देखेंगे तो ये हिबिस्कस है, और एक वो खिला है, हाइब्रिड है ये, और इनमें 1-2 फूल आते रहते, कलियाँ देखिए ढेर सारी बनी हुई हैं। इधर मेरा ये 1st लव का प्लांट है जिसमें ढेर सारी कलियाँ आई हुई हैं, ये देखिए खूब सारी कलियाँ आई हुई हैं। यहाँ पर हमारे विंटर की थोड़ी सी तैयारी मैंने की है। पीछे क्रिसेंथेमम के प्लांट हैं, उसके बाद जीनिया है, एक कलांचो है जो मेरा से ऑरेंज वाला था, लास्ट ईयर का प्लांट था, इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया था। और मैरीगोल्ड है, जाफरी, साल्विया है, जीनिया है, मैरीगोल्ड है, डेंथस है, डहेलिया जो मैंने कटिंग से तैयार किया थे, देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ निकल कर के आ रही है। मैंने ना चाहते हुए भी 15 है 13-14 गमलों में इनको लगा दिया कटिंग को अपने, क्योंकि मैं सोच रही थी बस 2-4 गमले लगाऊँ, क्योंकि ये सारे सेम कलर के हैं, सारा जो पिंक कलर मेरे गार्डन में खिलता है ना ये वही है। तो कटिंग तैयार होती गई और मैं उनको रिपोर्ट करती गई, मैं अब दिखाऊंगी आपको। ये कुछ कलांचो हैं जो मैंने रिपोर्ट किए थे, और इनको भी मैंने यहीं पे रखा है। वैसे इनके लिए अभी थोड़ा सनलाइट ज़्यादा तेज़ है, पर फिर भी मैंने, क्योंकि नीचे भी जगह नहीं थी। और ये कुछ गमले मैंने भर के रखे हुए हैं, आज इनको भर के रखा है पॉटिंग मीडिया तैयार करके, इसलिए मैंने किया है क्योंकि मेरी जो सीडलिंग मैं लेकर के आई हूँ वो 2-4 दिन में थोड़ी अच्छी हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी, तो उसको मैं इनमें सब में रिपोर्ट कर दूंगी। तो अभी तो छोटी है, अभी मैंने ग्लास में कल लगा के रखा है उनको। और ये देखिए पिटोनिया जो मैंने सैपलिंग से लाकर लगाए थे, सारे पिटोनिया में बर्ड्स आ गई हैं, पहले भी आ गई थी तो मैंने कट कर दिया था, एक बार सबकी पिंचिंग कर दी थी, पिंचिंग के बाद प्लांट हमारा बहुत घना हो गया है, देखिए कितना सुंदर हो गया है। और ज़्यादातर सभी में अलग अलग कलर निकल करके आए, 1-2 कलर मैच हो रहे हैं, 2 कलर इसमें वाइट है, बाकी की मतलब सब अलग अलग से निकल रहे हैं। इधर हमारे मैरीगोल्ड खिल गए हैं देखिए, और ये पेंटास का प्लांट है, पेंटास के भी मैं 2 सैपलिंग लेकर के आई हूँ। इधर जेट प्लांट है, एक ये रोज प्लांट है। तो इस तरह से हमारा थोड़ा सा विंटर गार्डन भी मैंने तैयार किया है, और धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं। इधर देखिए डहेलिया,
इस बार पॉट में मैं पेंट नहीं कर पाई, कुछ भी मैंने किया था लेकिन कुछ बचे रह गए क्योंकि मेरा पेंट ख़त्म हो गया और मैं अभी दोबारा लेकर के नहीं आई हूँ। तो ये देखिए डहलिया कटिंग मैंने लगाई थी और बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है सभी की, देखिए। और आज मैंने यहाँ पे क्लीनिंग भी करी, पूरा मिट्टी यहाँ पे फैला हुआ था जिसको मैंने क्लीन किया, अभी फिर भी थोड़ा सेट करना बाकी है। इधर मैंने अपने जो भी गार्डेनियम थे इनको यहाँ पे ला करके रख दिया है और दो तीन प्लांट मैं यहाँ पे रखूँगी। मैंने ये जो मेरी फ्रेंड ने लोटस दिए थे उनको भी यहाँ पे रिपोर्ट किया हुआ है और बस थोड़ा सा पानी डाल के रखा है। मुझे लगाने का तरीका बहुत अच्छे से नहीं आता है पर फिर भी मैंने लगा दिया, देखती हूँ उनकी ग्रोथ कैसे निकल करके आएगी। ये देखिए मेरी जो हाइब्रिड सीडलिंग है एक प्लांट में, इसमें भी कलियाँ आई हैं और इसकी कली भी मुझे छूने से ऐसी डबल ही लग रही है। तो देखते हैं, इसकी पत्तियाँ वैसे तो अलग हैं, अब कैसा निकल करके आ गया फ्लावर देखने को। बाकी में तो कलियाँ नहीं आई हैं अभी। और ये हमारे देखिए बंचेस में फूल आ रहे हैं मैरून वाले, कितने सुंदर, इनमें बहुत ज़्यादा कलियाँ आई हुई हैं। कुछ पीली पत्तियाँ हुई थी तो मैंने हटा दी, थोड़ा सा रात को ठंड हो जाती है जिसकी वजह से पत्ते थोड़े पीले होते हैं, तो वो एक मतलब स्वाभाविक सा है। इतने महीनों से, लगभग 4 से 5 महीनों से ये पत्तियाँ, वही पत्तियाँ लगी हुई रहती हैं। तो थोड़ा सा जब वेदर हमारा चेंज होता है ना तो पत्तियों पे असर होता है। अभी डोरमेंट से बिल्कुल भी नहीं आई है प्लांट में, थोड़े बहुत साइन दिख रहे हैं, मतलब कि ठंड जैसे रात को बढ़ती होगी तो थोड़ा सा असर पड़ता है, उस वजह से कुछ पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। तो ये देखिए सारा सामान यहीं पर अभी पड़ा हुआ है, कुछ भी हटाया नहीं मैंने क्योंकि इतना मतलब काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। और देखिए मेरा टिकोमा, मैंने इस टिकोमा को भी पूरा प्रून कर दिया था, पूरा ग्रीन कलर का, एकदम बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप लोग भी टिकोमा अगर है आपके पास तो आप उसको प्रूनिंग कर देंगे ना तो भले विंटर में खिले लेकिन विंटर में बहुत अच्छा खिलता है, आप प्रूनिंग कर देंगे उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अच्छा खिलता है। इसकी प्रूनिंग मैंने नहीं की है तो ये थोड़ा छोटा था उस समय प्लांट, तो इस समय मुझे लगता है अभी भी मैं इसकी प्रूनिंग कर सकती हूँ, अगर कर दूँगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पर थोड़ा सा मैं इसको एक ट्री की शेप में रखूँगी नीचे से, ये तो मेरा ऐसे बुशी सा हो गया था बिल्कुल, लेकिन इसको मैं ट्री शेप में बनाऊँगी तो मैं इसको बाद में ही प्रून करूँगी। तो ये देखिए कितना सुंदर हो गया, इधर बोगन में लिया कि मैंने प्रूनिंग कर दी थी। और ये हमारा अलमंडा है, इधर देखिए नाग चंपा में ढेर सारे फ्लावर आए हुए हैं, ये यूफोर्बिया मिली भी मैंने पूरा प्रून कर दिया था और इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं, नई नई ग्रोथ भी दिखने लगी है। और एक प्लांट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मैंने पूरा प्रून कर दिया था इसको भी। और उधर पीछे छत की भी मैंने पूरी सफाई करी, पूरा मिट्टी मिट्टी फैला के रखा था पूरे घर में, तो मैंने क्लीन करके उसको भी थोड़ा सा जमा के, मतलब जमाया और जमाना क्या है, इतना सारा यहाँ पर देखिए पूरी मिट्टी मैंने बोरियों में भर के रख दी है और जब यूज करना होगा तो निकाल दूँ क्योंकि ये जगह पर बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ था बिल्कुल, और क्लीन करने का समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरुआत करूँ, तो बड़ी मुश्किल से इसको क्लीन किया। अभी भी थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा जमाना बाकी है। और यहाँ पर देखिए हमारा एक कचनार का फ्लावर है जो खिलने वाला है, ये देखिए इसकी मैंने बिल्कुल केयर नहीं की थी तो सूख गया था, फिर बाद में मैंने इसको रिपोर्ट किया। इधर भी अडेनियम में कुछ सीडलिंग है जो ग्रो हो रही है, इस पर सुबह की धूप लग जाती है, बाकी तो मतलब फिर छाया में रहता है ये। देखिए ग्रोथ इस पर भी अच्छी हो रही है, इसमें मैंने थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिया था तभी इसकी ग्रोथ दिखाई देने लगी, नहीं तो बहुत छोटे छोटे से प्लांट थे तो ये थोड़ा दिख रहे हैं हेल्दी से। इधर का एरिया देखिए हमारा गुलाब का है, गुलाब में भी अच्छी ग्रोथ हो गई है। और 1919 का स्प्रे सोचा था करने के लिए, एप्सम सॉल्ट भी स्प्रे नहीं किया, बस एक दिन मैंने ओमाइट का स्प्रे कर दिया था तो थोड़ी सी पत्तियां बर्न हो गई थी, लेकिन फिर मैंने मतलब शाम को किया और सुबह मैंने पानी से पूरा स्प्रे करके धो दिया तो बच गया प्लांट, क्योंकि उससे मैं जब भी स्प्रे करती हूँ थोड़ा सा पत्तियाँ बर्न हो जाती हैं, शायद उसकी क्वान्टिटी ज़्यादा हो गई थी। इधर देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं इस प्लांट में और बहुत ही हेल्दी सा, तो मैं रोगोर का स्प्रे करती हूँ जो बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे देता है, रोगोर का स्प्रे फिर से करूँगी। दो ब्रांचेस में डाईबैक भी हो रही हैं देखिए इस प्लांट की, जिनको मुझे प्रून करके हटाना है। इधर मैंने कुछ कलांचो रिपोर्ट किए थे और ये देखिए सारी सैपलिंग हमारी, मैंने यहीं पे धूप में शिफ्ट कर दिया है इनको, पर अभी ये ग्लासेस में लगे हुए हैं, जैसे इनकी ग्रोथ थोड़ी सी इसमें पकड़ लेंगे ना तो मैं वो जो गमले मैंने मिट्टी भर भर के तैयार करके रखे हैं तो फिर मैं उसमें लगा दूँगी। इधर कलांचो सारे मैंने रिपोर्ट किए हैं और ये हमारी सारी अडेनियम की सीडलिंग है। तो ये हमारा गार्डन इस तरह से दिख रहा है, देखिए अभी मेरा मंदिर पेंट करने के लिए बचा हुआ है तो पेंट लाना ही पड़ेगा मुझे, मंदिर के नाम से लेकर के आऊँगी, नहीं तो चाहे गमलों के नाम से भले ना लाती। तो ये देखिए हमारा विंटर गार्डन, थोड़ा सा विंटर गार्डन तैयार हो गया है। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों का गार्डन कैसा चल रहा है, विंटर की तैयारी कैसी चल रही है। मैंने इस बार क्रिसेंथियम बहुत कम लगाया क्योंकि क्रिसेंथियम की वजह से जगह बहुत ज़्यादा भर जाती है और मेरे पास इस बार इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी तो मुझे थोड़ा सा अपने गार्डन में जगह भी रखनी थी थोड़ा चलने फिरने के लायक। और अडेनियम भी इस बार ज़्यादा हो गया सेकंड फ्लोर पे, तो बिल्कुल अडेनियम ही अडेनियम है तो मैंने इसलिए
उसी को देखते हुए मतलब उतने ज़्यादा प्लांट मैं सोच रही थी नहीं लगाऊंगी। डहेलिया ना चाहते हुए भी लगभग 12-13 ये 14-15 प्लांट हो 15 प्लांट हो गए मेरे पास। इधर भी देखिए, इसमें मैंने 2 कटिंग लगा दी है। सारे कटिंग से मैंने ग्रो की है, पिंचिंग करती रहती हूँ। पिंचिंग से बहुत अच्छी ग्रोथ निकल करके आती है। पिंचिंग करने से 1 से 2 ब्रांच हो रही, 2 से 4 हो जाएगी, 4 से 8 हो जाएगी। ऐसे करके हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो जाता है। इधर हमारे हिबिस्कस में भी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।